तो चलो प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक सिलेंडर। इससे पहले जो है हम डिस्कस किए थे कंडक्टर मेटालिक सिलेंडर था जो कि बहुत लॉन्ग था, इनफाइनाइट था और उसके सरफेस पे कुछ चार डेंसिटी थी। उसका मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाया था। इस बार मैं एक ऐसा सिलेंडर लेता हूँ जिसके पास कुछ वॉल्यूम चार डेंसिटी है जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है और उसके अंदर कोई चार्ज भरा पड़ा है। तो वो वॉल्यूम चार डेंसिटी जो है, चार्ज उसको रो से डिनोट कर रहा हूँ, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं। और ये लेंथ ऑफ सिलेंडर कैपिटल एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सिलेंडर, आर इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे अभी मैं पॉइंट, पहले केस में मैं पॉइंट पी बाहर लेता हूँ, दिस इज़ द पॉइंट पी, और ये यहाँ से सिलेंडर की एक्सिस से यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक सिमेट्रिकली गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ जो कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहा हूँ यहाँ पर, ये वाली। और ये मैंने ऐसे एक सिलेंड्रिकल सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लिया, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो यहाँ से इस पॉइंट पर, पॉइंट पी, और ये मैं चारों तरफ से इसको ढक दिया और इसका 3D व्यू आप बगल में डायग्राम में देख रहे हो। तो इस सिलेंडर में तीन सरफेस है, ठीक है। तो इस सिलेंडर के जो टॉप सरफेस है इसका मैं लेंथ स्मॉल एल ले लेता हूँ, इस सिलेंडर का ये वाली लेंथ स्मॉल है। ये जो टॉप सरफेस है इस वाले सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस सिलेंडर में ऑब्वियसली ऐसे निकल रही है, प्लस है। तो इस एरिया वेक्टर इस सिलेंडर पे ऊपर है, तो इन दोनों के बीच थीटा बना 90 डिग्री, ठीक है। पहला वाला जो सरफेस है इस सरफेस से जो फ्लक्स है वो ∅1 है और थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है। दूसरी इसी तरह से सिमिलर सरफेस नीचे भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब सिमिलर सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे हो रही होंगी और एरिया वेक्टर नीचे है, सॉरी एरी हाँ ठीक है, एरिया वेक्टर नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ पर, थीटा बना 90 डिग्री। बच्चों अगर यहाँ पर थीटा 90 बना, अब ये वाला जो सरफेस है यहाँ पर जो कर्व सरफेस है, तो इस सरफेस का जो ये वाला क्लोज सरफेस है सर्कुलर वाला, इससे मैं फ्लक्स ∅2 बोलता हूँ। और जो ये वाला सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, तो इसके लिए थीटा कितना बना, 0। तो ये जो फ्लक्स है ये ∅3। तो अगर मैं बाई गॉस थ्योरम से देखूं, बाई गॉस लॉ, अगर मैं इन तीनों सरफेस का फ्लक्स निकाल के जोड़ दूं, तो गॉस लॉ से ये क्या कहता है कि नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्साइलन नॉट। तो नेट फ्लक्स ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3, तीन सरफेस हैं सिलेंडर के पास, इसके अंदर इस वाले सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आया डिवाइडेड बाई एप्साइलन नॉट। तो यहाँ से फ्लक्स ∅1 की अगर वैल्यू देखोगे तो ∅1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पहले वाले सरफेस के लिए, ई ए कॉस थीटा होता कॉस 90, दैट इज 0। ∅2 की वैल्यू देखो तो ∅2 की वैल्यू आ जाएगी ई ए कॉस 90, ∅2 भी आ गया 0। लेकिन ∅3 जो है वो 0 नहीं होगा, तो ∅3 होगा ई ए कॉस 0, तो ये आ जाएगा ई मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये आ जाएगा ∅3, तीसरा वाला फ्लक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 0 + 0 + ईए और ये चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्साइलिन नॉट। अब ईए क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की लेंथ कितनी थी, तो सिलेंडर की लेंथ जो मैं लिया था प्यारे बच्चों वो कितना था अपना, ये वाला लेंथ था एल। तो अगर ये लेंथ एल था सिलेंडर का, ये वाला लेंथ एल था, तो अगर सिलेंडर को यहाँ से काटोगे ऐसे, तो सिलेंडर को अगर काटे हुए गॉसियन सरफेस वाला सिलेंडर, उस सिलेंडर की ये वाली लेंथ 2π स्मॉल आर हो जाएगी और ये लेंथ स्मॉल है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा पाई, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ए कर्व सरफेस एरिया 2π स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई एल, और इसके अंदर कितना चार्ज आएगा। अब इसके अंदर जो चार्ज आएगा वो तो इस वाले सिलेंडर में ना, ये वाला, ये जो बना रहा हूँ डीप से बनाता हूँ समझना, तो ये वाला जो सिलेंडर है ये वाला, ये इतने इतने पार्ट में चार्ज आएगा ना, ये वाला, ये जो है चार्ज चार्ज इतने पार्ट में आएगा भाई, ये वाला। तो इतने पार्ट में अगर चार्ज आएगा तो चार्ज कैसे निकालूं बोलो, तो अगर मैं इतने वाले पार्ट में चार्ज निकालूं, तो चार्ज निकालने का सिंपल सा तरीका है चार डेंसिटी चार्ज जो है, चार्ज इनक्लोज वॉल्यूम चार डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वॉल्यूम चार डेंसिटी होता है चार्ज इनक्लोज अपॉन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम।
तो चार्ज हो जाएगा इतना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और जो इस वाले सरफेस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2 पाई L और मल्टीप्लाइड बाई एरिया पाई आर स्क्वायर। इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम आ जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे लेते हैं, तो वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इनक्लोज द चार्ज। तो यहाँ से तुम देखोगे तो रो और टू रो, और यहाँ से रो के बाद में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जिसमें चार्ज आया है, तो रो मल्टीप्लाइड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई स्मॉल एफ, स्मॉल आर नहीं आएगा समझना। तो यहाँ से पाई ने यहाँ से पाई को ख़त्म कर दिया, एक एल ने यहाँ से एल को ख़त्म कर दिया, तो जो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आ जाएगा रो आर स्क्वायर यहाँ से अपान यहाँ से 2 स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये दिस इज द बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक ना, अगर इसको तुम लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो भी कर सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो प्रोपोर्शनल है 1/r के, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली। ठीक है, तो अगर यहाँ से तुम बड़े आराम से देख सकते हो कि हाँ, तो अगर इसको तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर में आया 1/r² का प्रोपोर्शन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व आया। तो चलो अब बात करते हैं सरफेस पे। सरफेस पे जैसे ही आओगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर आ जाता है। सरफेस के कहने का मतलब ये है, मेरा पॉइंट यहाँ पी यहाँ आ गया जो कि यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और स्मॉल आर इस समय कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो ये जो फील्ड है वो मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू होगी रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल r एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा रो कैपिटल आर और 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो फील्ड है एक कांस्टेंट और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, कभी भी फील्ड इससे ज़्यादा नहीं आएगी जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू ये आ रहा है। ठीक है ना, तो ये तो चीज़ हमें पता चल गया ये वाली चीज़। अब अगर इनसाइड करोगे तो इनसाइड जो है वो थोड़ा सा स्टोरी कॉम्प्लेक्स है, तो अगर इनसाइड बात करोगे तो अब मैं मेरा जो पॉइंट है पॉइंट पी वो इनसाइड आ गया, ये सिलेंडर की एक्सीज है, यहाँ से पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी यहाँ है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर है, और ये सिलेंडर की पूरी रेडियस कैपिटल आर थी, तो ये स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो मैं एक यहाँ से क्लोज गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, ये एक येलो कलर का मैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया हूँ, और मैं इसको ऊपर नीचे से ऐसे ढक दूँ तो ये जो पॉइंट पी है उसी गॉसियन सरफेस पे आ जाएगा। अब इसके अंदर कुल कितना चार्ज आया वो हमको नहीं पता, उसको मैं मान लेता हूँ बच्चों डी क्यू। सबसे पहले मैं डी क्यू को कैलकुलेशन करूँगा, तो डी क्यू की कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि मुझे डी क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस पे ऐसे है, और ऊपर में देखोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे है, तो जो टॉप सरफेस है उसकी थी θ 90 गया, तो इसका जो फ्लक्स φ1 है, φ1 वो तो 0 आ गया, cos 90 0। और जो लोअर सरफेस है इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर इसका नीचे है, ये गया θ 90, तो ये जो सरफेस है इसका भी फ्लक्स cos 90 0 होता है, इसका भी फ्लक्स। लेकिन ये जो सरफेस है जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, समझ रहे, एरिया वेक्टर भी, तो थीटा कितना आया 0। अगर θ 0 आ गया तो यहाँ पर तो फ्लक्स 0 नहीं होगा ना भाई, तो फ्लक्स 0 नहीं होगा, तो बाई गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इन नेट फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू, यहाँ से तुम देखोगे चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स φ1 0 प्लस 0 और प्लस E डॉट डी एस ये वाला अगर तुम देखोगे तो तुम यहाँ पे देखो EdS चार्ज इनक्लोज, अंदर में चार्ज DQ आया एप्सिलॉन नॉट, तो EdS, तो E मल्टीप्लाइड बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया इसकी लेंथ कितना लिया हूँ भाई, तो इसकी भी लेंथ मैं L लिया हूँ,
और इसकी रेडियस स्मॉल आ रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल ए सिलेंडर गोसे और डिवाइडेड बाई चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा टारगेट है इसके अंदर कुल कितना चार्ज आया उसकी वैल्यू निकालना प्यारे बच्चों, इस छोटू सिलेंडर के। तो छोटू सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आएगा डी क्यू वो, तो चार्ज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई छोटा वॉल्यूम, ये जो सिलेंडर है बाहर में जिसकी रेडियस स्मॉल, जो अंदर में बनाए हो जिसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है, इसमें कुछ तो चार्ज आया होगा भाई। अगर 100 कूलम है तो कुछ तो 10-20 कूलम आया होगा, वो है डी क्यू। और इसकी लेंथ एल है तो जो डी क्यू है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड बाई छोटू वॉल्यूम, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो और छोटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। दिस इज द स्मॉल चार्ज एग्जिस्ट इन दिस स्मॉल वॉल्यूम। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 2 पाई आर से, और यहाँ से चार्ज डेंसिटी और 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एल और डिवाइडेड बाई यहाँ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से एक एल ने एक 2 पाई आर, यहाँ एक एल ने इस एल को ख़त्म कर दिया और 2 पाई ने इसको 2 पाई को ख़त्म कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा रो स्मॉल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, रो स्मॉल नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिकली तुम देखोगे यहाँ यहाँ 2 नहीं आएगा, ये वाला 2 नहीं आएगा बच्चों, ध्यान देना। यहाँ मैं गलती से 2 लिख दिया था तो मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ से ये वाला 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पाई आर स्क्वायर ये चार्ज डी क्यू इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड। अब बाकी सारे कॉन्स्टेंट हैं, तो एक्सिस से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा सरफेस पे, ठीक है। तो ये जब आर की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये कहाँ पे भाई, एक्सिस पर, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये वाली चीज़, जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाओगे चार्ज की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो अब इन पूरी कहानी को मैं एक अच्छे तरह से अगर समराइज कर दूं तो उस समरी में तुम्हें अच्छे से ये सारी चीज़ें चमक जाएंगी। तो चलो, ये एक सिलेंडर है जिसके पास पहले से ही चार्ज डेंसिटी यहाँ पर है, तो जो अंदर में देखो यहाँ पर जो बाहर में चार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अब यहाँ से मैं इधर दूर जाऊँगा बच्चों, अगर मैं इधर जाता हूँ तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और जो पोजीशन वेक्टर आर है वो भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। और अगर मैं इधर जाता हूँ तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो आर भी तो नेगेटिव है इधर जा रहे हो, तो ग्राफ थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। चलो, तो अगर तुम देखोगे बाहर में जब तुम डेरिवेशन किए थे तो ये वाला कर्व बाहर में है, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था यार, तो बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो प्रोपोर्शनल था 1/r के, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर में आया था आउटसाइड में उसकी वैल्यू कितनी थी, चार डेंसिटी कैपिटल आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो आउटसाइड में ये आउटसाइड का कर्व है, आउटसाइड ये इसको टच करेगा जाके इन्फिनिटी को, ठीक है। ये यहाँ आर अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ई अप्रोच टू जीरो, ये वाला ये सरफेस यहाँ से बाहर में, यहाँ से मैं इधर जाऊँगा तो, ठीक है। चलो, ये जो पॉइंट है वो बच्चों इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रही है और ये सरफेस है, और इसकी जो वैल्यू थी आई थी वो आई थी रो कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो कैपिटल आर 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू था। ये जो पॉइंट था वो एक्सिस है, आर की वैल्यू 0 थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इनसाइड जो ये वाली जो पॉइंट है वो इनसाइड है, इनसाइड जो तुम्हारा कैलकुलेशन आया था वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू रो स्मॉल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पर देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये कहानी है इनसाइड, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा ये वाला, मतलब एक्सिस से दूर जाओगे तो फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी, और सिमिलरली ऐसा ही ग्राफ इधर रिपीट करेगा, ये वाला ऐसे टेंड करेगा इन्फिनिटी। तो आई होप यहाँ पर मैक्सिमम होगा,
ठीक है, और यहाँ पर E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, यहाँ E इज प्रोपोर्शनल टू r। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। अगर ये सारी बात याद रखोगे तो फ्यूचर में क्वेश्चन लगाने में बहुत हेल्प होगा। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा होगा, सारे पॉइंट मैंने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किए, समझा दिए, अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से प्रॉपर नोट्स बना लेना और ऊपर मेरा नाम ज़रूर लिखना, फिजिक्स बाय नवनीत सर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।